तो गाइस सेटअप रेडी हो गया है, सिस्टर के पास जा रहा हूँ। सात लाई भी दिखाऊंगा आपको आज। ड्योरसित से होते हुए जाएंगे, बाबा बालकनाथ से होते हुए आज आपको सात लाई भी दिखाएंगे। बहुत अच्छा एरिया, वो मिनी पंजाब है, मिनी पंजाब। चलिए गाइस चलते हैं सात लाई। हट जय भोलेनाथ सबके साथ। बारिश का मौसम हो रहा है, मेरे को लग रहा है बहुत बादल से हो गए हैं। कल बारिश हो गई, कैसे जाएंगे कल देखते हैं। अगर बारिश हुई तब तो फिर कल कहाँ जा पाऊँगा जलंधर। जब से यूट्यूब मतलब काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तब से मैं गया ही नहीं, कहीं नहीं गया। घर भी मैं तभी आया, अभी मैं सिस्टर के पास जा रहा हूँ। उस सिस्टर ने मेरी बहुत हेल्प की है, ये जो मैंने यूट्यूब बनाने मतलब चैनल वीडियो बनाने के लिए मैंने जैसे सामान लगाया ना, जैसे मेरा थोड़ा थोड़ा, जैसे ये हो गया मेरा एसजे कैम हो गया, हेलमेट हो गया, गिम्बल है, इसके लिए ना सिस्टर ने मेरी बहुत हेल्प की है, ये वाली सिस्टर ने। और एक सिस्टर मेरी अमृतसर में है, उसने भी बहुत मेरी हेल्प की है। जीजा जी ने भी बहुत हेल्प की है। आज इस सिस्टर के पास जाएंगे, वो सिस्टर तो अमृतसर में रहती है, उनके पास भी जाऊँगा कभी, देखते हैं। अभी नेक्स्ट मंथ कलकत्ता जाऊंगा, पहले मैडम जी को छोड़ने जाऊंगा। ये वही है मंदिर, जय हो जय हो। ये मेरे बेटे का स्कूल है, मॉडल स्कूल चकमो, VBN मॉडल हाई स्कूल चकमो। पहले हम इधर गए थे, अब जाएंगे हम इस साइड। बाबा बालकनाथ क्रॉस करके जाएंगे हम सात लाई से थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक दो किलोमीटर है भगतपुर। भगतपुर नाम पड़ता है सिस्टर का जो गांव है, वो भगतपुर नाम पड़ता है उसका। ये पार्किंग है यहाँ पे बाबा बालकनाथ की। जय बाबी जी। कब आएगी अपनी भी ड्रीम बाइक? मगर आप लोगों का साथ रहा तो जल्दी आ जाएगी ड्रीम बाइक। बहुत बड़े बड़े मोड़ हैं यहाँ पे। अगर आपने मेरी एक शॉर्ट वीडियो देखी होगी तो इसमें एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी यहाँ से लेके थोड़ा आगे तक, जो धुंध पड़ी हुई थी बहुत। ये वही जगह है, सर्दी के टाइम में यहाँ बहुत धुंध पड़ती है, कुछ नहीं दिखाई देता है। वो वर्षा सात लाई उधर से होते हुए जाएंगे हम ऐसे। वो जाने गाइस हमने उधर, वो सामने जो घर दिख रहे हैं, ऐसे जाने घूम के। पाँच दस मिनट का रास्ता है, पर थोड़ा मार्केट जाना है, मार्केट से होके जाना है थोड़ा। आज संडे है तो आज तो थोड़ा ट्रैफिक भी होगा, मेरे को लगता है ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सही होगा, अभी तो कम हो गया होगा ट्रैफिक, क्योंकि संडे और सैटरडे के दिन ना बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत श्रद्धालु आते हैं बाबा बालकनाथ माथा टेकने के लिए। मैं तो सोचता हूँ डेली गाइस डेली व्लॉग डालूँ डेली, पर क्या करूँ, आपको पता है जॉब भी करनी पड़ती है। जॉब में बना सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं है डेली व्लॉग, बट जॉब में फिर आपको पता काम करना है कि व्लॉग बनाऊँ। इसलिए अब घर आया हूँ तो अब तो दो तीन व्लॉग बना लूँगा, डालूँगा धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से नहीं डलता है ना, थोड़ा फ़ोन में एडिट करना पड़ता है मेरे को अभी तो। सात लाई बिलासपुर यहाँ से स्टार्ट है। बाजार तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा।
वो यार वो है 10 रुपये। हमने जाना है लेफ्ट, ये जाता है मेरे बड़सर के लिए रास्ता। इधर से हम लोगों ने जाना है भगतपुर। ये रास्ता जैसे भाखड़ा बांध जाता है ना, भाखड़ा बांध उसके लिए भी जाता है। आगे एक शिव की पौड़ी है, ऊपर आगे जाके अंदर उधर सामने शिव की पौड़ी है, वहाँ पे ब्लू कलर का पानी है। अगर कहीं अगली बार आऊँगा तो मैं बताऊँगा आपको, दिखाऊँगा एक बार। आज तो थोड़ा मैं क्योंकि सिस्टर के पास जा रहा हूँ और छुट्टी भी नहीं है इतनी, कल चले जाना है वापस। अगर बारिश नहीं हुई तो कल निकल जाऊँगा, बारिश हुई तो फिर क्या करेंगे, रुकना पड़ेगा। ब्लू पानी है उसको, जैसे वो बॉडी होती है ना, बॉडी की तरह है। शिव की पौड़ी शिव की पौड़ी बोलते हैं उसको, ब्लू पानी बिल्कुल। मैं भी एक बार ही गया हूँ, मैंने एक बार देखा था। ये पहाड़ी ऐसी है, इसको हर जगह, यहाँ पे आपको हर जगह ना वो देखेगा, जो बॉडी नहीं होती है पानी की, बॉडी जो अपने आप पानी निकलता है ज़मीन में से, वो वाली वो दिखती रहेंगी आपको हर जगह। ये देखिए, ये भी है बॉडी। ये चला गया गाइस शिव बॉडी के लिए, और ये चला गया सिस्टर के घर को नीचे भगतपुर। ऐसे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए गाइस मिनी पंजाब, वो है बाबा बालकनाथ, वो मंदिर दिख रहा है सामने, वो देखो, वो देखो बिल्कुल प्लेन है मिनी पंजाब। वो है सिस्टर का घर नीचे, वहाँ पे जाना है हमने। जब मैं छोटा होता था तो मैं डैडी के साथ आता था, पैदल आते थे हम जंगल से, शॉर्टकट रास्ते से, शॉर्टकट रास्ता आता था ना हमारे गांव से, उससे बिल्कुल पैदल आते थे मैं और डैडी। तब मैं बहुत छोटा था और डैडी ना पसंद में नहीं करते थे बाइक वगैरह, वो चलाते थे लेकिन वो चला मतलब पसंद नहीं करते थे चलाना, पैदल पसंद करते थे क्योंकि आर्मी वाले बंदे आपको पता है पैदल चलना पसंद करते हैं बहुत। बस पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा सा कच्चा रास्ता। पानी 12 महीने बहता है यहाँ पे, देखो 12 महीने पहुँच गए सिस्टर के घर। रॉकी रॉकी, और ठीक है। अच्छा, तो गाइस सिस्टर के पास से आ गए हैं, बारिश लगी थी इसलिए मैंने हेलमेट पे कैमरा नहीं लगाया था। ये देखिए हेलमेट पे बारिश पड़ी हुई है, देखो इसलिए मैंने कैमरा नहीं लगाया। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।